25 सितंबर को न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संगठन ब्लॉक नूरपुर के सभी कार्यकारिणी सदस्यों की मीटिंग। राज्य मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष अजय प्रजापति जी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस नूरपुर में संपन्न हुई। इस मीटिंग में 2 अक्टूबर को NPSEA स्थापना दिवस व गांधी जयंती पर गांधी जी की मूर्ति के आगे श्रद्धा सुमन अर्पित कर पुरानी पेंशन की बहाली हेतु संकल्प लेने बारे चर्चा हुई, जो सभी की सर्वसहमति से बजीर राम सिंह स्मारक में इसका आयोजन करने व सभी ब्लॉक नूरपुर के NPS कर्मचारियों के साथ जनरल मीटिंग करने हेतु सहमति जताई गई। इसी के साथ 6 अक्टूबर को स्थानीय उपमंडल अधिकारी को पुरानी पेंशन की बहाली हेतु ज्ञापन सौंपने व 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में ज्ञापन हेतु बढ़ चढ़कर भाग लेने के बारे में चर्चा की गई। इसी के साथ यह बात भी उठाई गई कि जो कर्मचारी सुस्त अवस्था में या घरों से न निकल पाते हैं, उन्हें किस प्रकार जागरूक किया जाए व इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी भूमिका अदा करने के लिए कैसे तैयार करें के बारे में रणनीति बनाई गई। इस मीटिंग में राज्य मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष अजय प्रजापति, जिला सचिव व ब्लॉक सचिव अंकुर शर्मा, कोषाध्यक्ष संजय धीमान जी, मुख्य सलाहकार हैप्पी कुमार, उप प्रधान कमल किशोर, तीर्थ सिंह ठाकुर, हितेश गुप्ता, कश्मीर सिंह, पूरन सिंह मेहरा जी व महिला विंग से सुनीता, अरुणा, पूनम व अन्य ने भाग लिया। नमस्कार, आज न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ नूरपुर ब्लॉक की एक बैठक नूरपुर के विश्व लोक निर्माण विश्राम गृह के उसमें रखी गई, और उसमें जो एजेंडा है वो ये डिस्कशन किया गया कि हमारी राज्य कार्यकारिणी ने जो हमें आदेश दिए हैं जिला के माध्यम से, उसे हम पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। हमारा जो प्रोग्राम है वो रहेगा 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी जयंती पर, जिसमें जो हमारा NPSEA का स्थापना दिवस भी है, उस पर हम महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प वर्षा करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई हम जब तक प्राण है तब तक हम लड़ते रहेंगे। और दूसरा हमारा जो कार्यक्रम पहले से राज्य द्वारा निर्धारित है वो है 5-6 अक्टूबर का, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में उपमंडल अधिकारी नागरिक जितने भी हैं हमारे हिमाचल के, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन दिया जाएगा पुरानी पेंशन बहाली हेतु। और तीसरा हमारा जो है वो 24 अक्टूबर को रहेगा, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है हम उसके लिए करबद्ध हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 25 सितंबर 2020 को हमारी नूरपुर ब्लॉक के NPS की मीटिंग जहां पे की गई है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। तो इस मीटिंग में हमने कुछ निर्णय लिए हैं कि NPS को कैसे हटाया जाए और OPS को कैसे लाया जाए। तो रिस्टोर OPS के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज हमने यहाँ पर संकल्प लिया है कि 2 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही NPS एक संगठन बना था और 2 अक्टूबर ही महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि है। तो हमने संकल्प लिया है कि 2 अक्टूबर को हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और हम संकल्प लेंगे और पुरानी पेंशन के लिए लड़ेंगे। नमस्कार साथियों, जैसे कि आज हमारे उपमंडल नूरपुर में न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी महासंघ की अपने अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में COVID-19 का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मद्देनज़र में हमने ये एक मीटिंग की है, जिसमें कि ये रखा गया है कि 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर श्रद्धा सुमित अर्पित करेंगे और उसके बाद 6 अक्टूबर को हम उपमंडल अधिकारी महोदय को एक विज्ञापन CM साहब के लिए उनके माध्यम से अपना एजेंडा रखेंगे
और 24 तरीका को जो ये निर्धारित किया गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों की हेड ऑफिस में हम धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि हमारा ये न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके ओल्ड पेंशन में नहीं लाया जाता है, तब तक हमारा ये प्रयास जो है जारी रहेगा। धन्यवाद।